हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो इतिहास का सबसे पहला ही चैप्टर है, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यह चैप्टर 10वीं में भी बहुत ज्यादा मार्क्स के साथ पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि यह 10वीं के लिए भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर, इसके चैप्टर का एक वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पे अपलोड करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम रही हो उस पार्ट में तो कोई बात नहीं, इस पार्ट में हम उस समस्या को दूर करने आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने बताया था, मैंने बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में ये कहा था कि फ्रांस में हालात कुछ ऐसे थे कि बहुत ही कम पैसे बचे थे, बहुत ही कम पैसे बचे थे, सारे के सारे पैसे खर्च हो गए थे, और राजा के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं मतलब नथिंग का मतलब एकदम सच में कुछ भी नहीं बचा था, राजा का हाथ एकदम खाली हो गया था। और इसी वजह से, जैसा कि आपको पता है, जब भी किसी राजा को धन की आवश्यकता होती है, किसी भी सम्राट को धन के प्रावधान की जरूरत होती है, तो वह क्या करता है? कोई भी राजा धन के प्रावधान की जरूरत हो तो क्या करता है? वह कर बढ़ाता है। क्या करता है? टैक्स बढ़ाता है। यानी फ्रांस की सबसे पहले टर्म में हम बोले कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति, फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक नहीं थी, फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इतना तो क्लियरली बोल ही सकते हैं, हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो क्या रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि सम्राट के पास पैसे नहीं बचे थे, सम्राट के पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसका एक रीजन ये था। अब सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह देखने को मिलती है कि इतने बड़े प्रावधान के बाद भी फ्रांस के जो सम्राट थे, फ्रांस के जो नरेश थे, राजा थे, वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते थे। ये आज से नहीं, ये हजारों साल पहले की परंपरा थी फ्रांस में, कि फ्रांस के सम्राट कभी भी अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते हैं। सोचो कितनी अच्छी परंपरा रही होगी, फ्रांस के सम्राट चाह कर भी कभी भी अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते हैं। क्यों पता नहीं, तो टैक्स नहीं लगा सकते, इतना तो क्लियर था। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी के वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस के राजा को कर लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। और इसे ठीक करने का क्या उपाय था? जिसे ठीक करने का एकमात्र उपाय जिसे ठीक करने का एकमात्र उपाय क्या था? एकमात्र उपाय जिसे ठीक करने का एकमात्र उपाय बताओ, कर लगाना। जिसे ठीक करने का एकमात्र उपाय था कर लगाना। परंतु एक बात याद रखिएगा, फ्रांस के सम्राट की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी थी कि फ्रांस का सम्राट का सम्राट अपनी मर्जी से कर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स, नहीं लगा सकता था। यह बात याद रख लीजिए एकदम दिमाग में, कि फ्रांस का सम्राट अपनी मर्जी से कभी भी टैक्स नहीं लगा सकता था। क्यों? तो इसके पीछे का सबसे सिंपल रीजन यह था कि फ्रांस सबसे आदर्श राजतंत्र था। आदर्श राजतंत्र समझते हैं,
जब कोई देश खुद को आदर्श राजतंत्र कहता है ना, यानी कहने का मतलब समझ लीजिए कि वहां के हालात दूसरे राजतंत्रों से अच्छे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस के राजा चाह कर भी अपनी मर्जी से कभी भी टैक्स नहीं लगा सकते थे। तो एक बहुत ही बुरी बात थी। अब मजे की बात तो आप सुनोगे यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर देखो। तो इसके लिए वो क्या करना पड़ता था, इसके लिए लिए उन्हें इन्हें सम्राट को इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ती थी, बुलानी पड़ती थी। अब जैसा कि हम सबको पता है, हर एक को विशेष प्रतिनिधि सभा, मतलब यहाँ पर जो विशेष प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ती होगी तो कितने बुरे हालात रहते होंगे भाई। हालात छोड़ो, यहाँ के देखो, यहाँ पे समझो, अब हर एक प्रतिनिधि आएगा और अपने हिसाब से सोच के अपने विचार रखेगा कि नहीं। जो प्रतिनिधि जिस टाइप का सोच रखता है वो प्रतिनिधि उस टाइप की बातों को कहेगा ना। तो इसी वजह से ऐसा देखने को उनको मिल रहा है। अब मजे की बात तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रतिनिधि सभा रखी थी उस प्रतिनिधि सभा में देखो भयंकर तौर पर क्या हुआ, जिसे फ्रांस में एस्टेट जनरल, फिर से नाम आ गया वो वाला एस्टेट जनरल, के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी याद रखिए भाई, फ्रांस के जो प्रतिनिधि सभा सम्राट को बुलानी थी वो सम्राट कभी भी अकेले नहीं बुलवा सकते थे। उसकी मीटिंग बुलाने के लिए उनको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसके जरिए वो क्या कर सकते थे, वो कर बढ़ा सकते थे। और वो भी ऐसा नहीं, प्रस्ताव रखा जाएगा, वोटिंग होगी, और अगर सबको पसंद आया तभी टैक्स बढ़ाया जा सकेगा, अन्यथा टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकेगा। सोच लीजिए, ये देश जिसकी बात कर रहे हैं वो फॉलो करता है राजतंत्र को। अब एक ऐसा देश जो राजतंत्र में बिलीव करता है वहां सम्राट यह नहीं कर सकता। सोचो कि एक देश जो हां राजा है और वो राजा ये नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता। क्यों भाई, पावर की डिप्रिवेशन हो गई कि नहीं, पावर कम पड़ गई, पावर गई ही नहीं किसी के हाथ में। तो ये बात बताना काफी होगा इतने छोटे से इवेंट के लिए कि यहां पर जो झोल हो रहा है, यहां पर जो पावर का चल रहा है ना एसेंशियलिटी, वो बहुत ही अच्छी मानी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात भी याद रखनी होगी हमें कि इस सिस्टम में ये टर्म बहुत मायने रखता है, समझ रहे हो। एक देश जहां राजतंत्र है, जहां किसी को भी राजा के लेवल की बात करने का अधिकार ही नहीं दिया गया है, राइट ही नहीं है कि कोई राजा के बराबर बात कर ले, और उस परिस्थिति में एक विशेष बैठक बुलानी पड़े जिसमें कौन आए, प्रतिनिधि आए, जिसमें कौन प्रतिनिधि आए। तो उस परिस्थिति में राजतंत्र के हालात प्रतिनिधियों के हालात के साथ कैसे होंगे, आपके मम्मी पापा आपको कभी जिंदगी में कभी भी अपनी राय नहीं रखने दिए हों, और एक दिन कहें बेटा इधर आओ, सोच रहे हैं कि एक कार खरीद ले, तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब आपसे अपनी जिंदगी में पहली बार ओपिनियन पूछा जाएगा, आपका क्या विचार है, आप किस राय को देते हो।
तो आप जिंदगी भर में जितनी राय सोच सोच के रखे हो, ये करते हैं वो करते हैं, सब निकलेगी, निकलेगी कि नहीं। एक्साइटमेंट बहुत रहता है इंसान के अंदर, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है किसी भी बात को लेकर, तो वो यहां पर भी हमको देखने को मिल रहा है। उत्तेजना इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत, फटाक से एक्साइटेड हो जाते थे प्रतिनिधि लोग, और यह जो बैठक थी ना, ये बहुत ही भयंकर होने वाली थी। अब इसमें होता क्या था, विशेष प्रतिनिधि सभा बुलाई जा रही है, और उस सभा को नाम दिया गया है क्या, स्टेट जनरल। क्या नाम दिया गया है, स्टेट जनरल। तो जब स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई है और इस सभा में सभी स्टेट को बुलाया गया है, दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, दिमाग में ये थॉट आएगा कि नहीं आएगा कि जितनी भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, जितने भी चीजें फ्रांस के साथ हो रही हैं, वो सब के सब इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि अब फ्रांस में ये प्रतिनिधि लोग आने वाले हैं और अपनी सरकार के बारे में अपनी राय रखने वाले हैं। तो सोचो कितना मजा आने वाला है, फन फैक्ट की कमी नहीं होगी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ, कैसे व्यवस्था थी, किस टाइप का सब सिस्टम था। चलिए, तो इससे पहले कि हम फ्रांस के कराधान प्रणाली को अच्छे से पढ़ें, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि फ्रांस की क्रांति चैप्टर पढ़ने के पीछे दो स्पेसिफिक छंद निकल के आते हैं, दो अलग अलग विचारधारा निकल के आती है, एक जिसको बोलते हैं इवेंट्स, एक जिसको बोलते हैं कॉज। हिस्ट्री में ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज माने जाते हैं, इवेंट्स एंड कॉज काफी रिलेटिव टर्म माने जाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक में घटनाएं होती हैं और एक में कारण पढ़ना होता है। इसीलिए इतिहास के सभी चैप्टर बोरिंग नहीं होते, क्योंकि कुछ में घटनाएं कहानियां होती हैं और कुछ में उन घटनाओं का कारण होता है। तो जो कारण वाले चैप्टर होते हैं वो कुछ लोगों को बोरिंग लगते हैं, जो कहानियों वाले चैप्टर होते हैं जिसमें घटना घट रही है, राजा ने उसको मारा, उसने उसको मारा, वो आपको अच्छा लगता है। तो आज का जो हम सेशन पढ़ने वाले हैं ये पूरी तरीके से घटनाओं वाला है, इसीलिए मजा तो आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि सारी की सारी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक खुलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एस्टेट जनरल, जे न रल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेट जनरल। हाँ सॉरी, एक ही एल है, ये ब्रैकेट है, नहीं तो तो भाई समझिए क्या होता है एस्टेट जनरल। आज से पहले, मतलब जिस साल की हम बात कर रहे हैं, 1774 के बाद की बात कर रहे हैं, 1774 से पहले 1614 में, यानी 150 साल पहले टैक्स बढ़ाया गया था, और 150 सालों से किसी को भी जरूरत नहीं पड़ी कि एक भी रुपया टैक्सेशन किया जाए, एक भी रुपया टैक्स लगाया जाए। यह विचारधारा किसी के दिमाग में आई ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को, तो किसी ने कहा भी नहीं। ठीक है कि फ्रांस के राजाओं की इस तरह के हालात होने चाहिए, इस तरह उनको रहना चाहिए, तो ये बात मानी गई। अब आगे, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वह राजा ने बुलाई 5 मई 1789। यह तारीख याद रखिए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत वाला टॉपिक यहीं से शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है। इसके बाद हर महीने एक 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 घटनाएं होते जाएंगी, हर महीने एक एक घटना होगी, और यही तो मजे की बात है कि एक महीना में एक एक घटना हो रहा है। यहाँ पे हमारे देश रहता तो एक महीने में 5-6 घटना हो जाती, पूरा साल में 50 घटने हो जाती, और इस वजह से याद करना मुश्किल हो जाता है। फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है, फ्रांस के साथ एक साल में 3-4 महीने तक लगातार घटना होगी, फिर शांत। तो ये माहौल 5 मई से शुरू हुआ, जब 1789 में राजा को पता चला कि तिजोरी के नाम पर कुछ नहीं बचा है, हम लोग एकदम ठनठन गोपाल हो गए हैं, खाली हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें अपने टैक्स बढ़ाना होगा, और इसके लिए क्या बुलानी होगी, प्रतिनिधि सभा, एस्टेट जनरल, 5 मई 1789। जैसा कि क्या होने वाला था, को प्रतिनिधि सभा बुलाई गई, प्रतिनिधि सभा बुलाई गई।
ऑब्वियसली आपको इतना तो पता होगा ही कि प्रतिनिधि सभा जो होती है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, जिसमें सबको प्रतिनिधि भेजने का मौका दिया गया था। ठीक है, इस बैठक के लिए एक महल बनाया गया था, एक बहुत ही बढ़िया महल को सजाया गया था, पैलेस बोला जाता है। ठीक है, तो कहा यह गया था कि जैसा कि आपको पता है प्रतिनिधि सभा है तो हर वर्ग से अपने अपने प्रतिनिधि भेजने होंगे, एक एक दो दो संख्या निर्धारित थी, कितने कितने प्रतिनिधि भेजने होते थे कि प्रत्येक वर्ग को 300 प्रतिनिधि भेजने थे, प्रत्येक वर्ग को 300 प्रतिनिधि भेजने थे। परंतु गड़बड़ तब हुई, इसको हिंदी में लिख देते हैं, तृतीय वर्ग 600 प्रतिनिधि के साथ आ गए। सबको बोला गया था कितने कितने के साथ आने के लिए, 300 प्रतिनिधि के साथ, और ये आया कितने के साथ, 600 प्रतिनिधियों के साथ आ गया। तो कैन यू इमेजिन कि क्या होने वाला है, जहां बात की गई थी एक बहुत ही छोटे से व्यक्तित्व की जिसमें सिर्फ 300 प्रतिनिधि लाने थे, आज वहां पर 600 प्रतिनिधि के साथ काम करना पड़ रहा है, और वो हालात भी अभी शुरू होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो फ्रांस के जो हालात थे वो किसकी वजह से बिगड़े थे, किसकी वजह से बिगड़े थे, अमेरिका की मदद के वजह से बिगड़े थे। किसकी वजह से? अमेरिका की मदद करने के वजह से। और अमेरिका हो गया स्वतंत्र, अमेरिका हो गया आजाद, और स्वतंत्र हुआ तो हुआ, स्वतंत्र के साथ साथ प्लस लोकतंत्र, स्वतंत्र तो था ही साथ ही साथ लोकतंत्र भी ले आया। तो ये भाई बोलते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा लगाना, तो इन्होंने सोने पे सुहागा लगा दिया। अब स्वतंत्र प्लस लोकतंत्र देख के फ्रांस पागल, पूरी तरह से पागल। जितने भी फ्रांस के जो तृतीय वर्ग के आम नागरिक थे उनका मानना था कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम, क्योंकि ये दोनों चीज, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जब भी आता है तो एक बात आ जाती है, समानता। ठीक है, तीनों चीज याद रखना, आजादी बराबरी और अपना अधिकार, आजादी बराबरी और अपना अधिकार, स्वतंत्र लोकतंत्र समानता, ये तीन चीज कहीं पे भी पाई जाती है, जहां भी डेमोक्रेसी रहेगी यही रहेगा। हमारा खुद का देश लोकतांत्रिक है ना भारत, भारत के लोकतंत्र में तीन महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता, आप सभी को आजादी है, आप हमारा चैनल देख रहे हो आपको आजादी है। ठीक है, समानता, भाई सबको समझ में आता है, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको समान रोड पर रखा। और लोकतंत्र यानी आपके अधिकार है, आपके अधिकारों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से ना, अमेरिका के वजह से फ्रांस के लोगों की विचारधारा ही चेंज हो गई थी। फ्रांस के लोग समानता स्वतंत्रता जैसी बातों में विश्वास करने लगे थे। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि फ्रांस के आदर्श को पढ़कर, सॉरी अमेरिका के आदर्श को पढ़कर कुछ फ्रांसीसी फिलोसोफर जो लोग थे ना, फिलोसोफर मतलब समझते हो, दार्शनिक लोग, उन लोगों ने कहा कि हमें अपने राज व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी राज व्यवस्था को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं राज व्यवस्था, उसमें थोड़ा सुधारना पड़ेगा। उसमें दो लोग थे, देखो एक तो ये थे जिनका नाम आप जानते हो, मैं बताता हूं, हाँ एक तो थे ये, क्या नाम है, जिनका नाम जॉन लॉक था, जॉन लॉक, इनकी कहा, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था टू, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं ताकि आसानी से पढ़ने में, टू ट्रीटीज विद गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ दो
संधियां, सरकार के साथ दो संधि, इसमें इन्होंने कहा कि महाराजा कोई देवता नहीं है। इसमें इन्होंने क्लियरली कहा कि राजा कोई दैवी शक्ति नहीं है। राजा कोई दैवी शक्ति या डिवाइन पावर नहीं है। उसका एक बहुत ही छोटा सा वर्जन है, वो बस छोटे से चीजों को चाहता है, अपनी मनोवांछित चीजों को रखना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए राजा को भगवान के बराबर मानना जरूरी नहीं है, कोई देवी शक्ति नहीं है, तो इनको उतना अधिकार देने की भी जरूरत नहीं है। मतलब राजा को जो अनलिमिटेड पावर दी गई है कि वो जन्म से ही राजा बन सकता है, मतलब वो अपनी मर्जी के जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, तो इसी वजह से राजा को अनलिमिटेड पावर देने की जरूरत नहीं है। ये बात आ गई। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, इनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब नियमों के प्राण। इन्होंने कहा कि सरकार के तीन अंग होने चाहिए। आपको अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले सिविक्स का पूरा बुक खत्म कराया है, उसमें हम लोगों ने सरकार के तीन अंग पढ़े थे। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में क्लियरली ये कहा गया है कि सरकार के तीन अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सर आप स्टेट जनरल पढ़ाते पढ़ाते यहां क्यों आ गए, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो भाई समझ लो, स्टेट जनरल में इनकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए इनके टर्म को पढ़े बगैर हम जा ही नहीं सकते हैं आगे, तो इसीलिए हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है, एक बहुत ही बढ़िया आदमी थे जिनका नाम जे रूसो था। क्या नाम था? जे रूसो। इन्होंने भी एक बहुत ही मस्त किताब लिखी थी, इनके किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस किताब के नाम के कई सारे YouTube चैनल भी हैं, मतलब इस किताब के जैसे कई सारे YouTube चैनल भी हैं, वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी किताब थी जिसमें इन्होंने क्लियरली इस बात का विवरण दिया था, इस बात का वर्णन किया था कि इनकी जो सभ्यता थी, इनके जो मतलब व्यवस्था है, वो कुछ इस टाइप की है कि जिसमें ये लोग क्लियरली इस बात की मांग करते हैं कि एक बराबरी का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कितना बड़ा टर्म हो गया समानता का अधिकार, समझ रहे हो? इस व्याख्यात्मक तौर पर समानता का अधिकार एक बहुत ही बड़ा टर्म है हमारे सबके लिए, ठीक है। तो आप देखो, फ्रांस के हालात कुछ ऐसे हैं कि हमको राजा को रखना ही है, मतलब राजा तो हमें रखे हुए हैं, लेकिन राजतंत्र को फॉलो करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। लेकिन यह विचारधारा भी तो हमारे पास आ रही है जिसको छोड़ नहीं सकते, हम भी तो विकसित हो रहे हैं ना, कब तक बच्चों की तरह एक चॉकलेट पे मान जाएंगे। फ्रांस के लोग भी क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे। और जैसे जैसे फ्रांस के लोग विकसित होते जा रहे थे, उनके दिमाग की इच्छा, उनके दिमाग की छवि कुछ ऐसी होती जा रही थी जहां पर यह बताया जा रहा था कि राजा में ये सब पावर वगैरह नहीं है। हमारा बगल का देश अमेरिका राजतंत्र छोड़ दिया तो उसको समानता का अधिकार भी मिल गया, कोई राजा की दैवी शक्ति नहीं और कार्यपालिका अच्छी है और वहां अच्छे तरीके से शासन चल रहा है, तो कहे ना हमारे देश में भी इसमें का कुछ व्यवस्था लगाया जाए। अब जिसके पास पैसा है, जो पढ़ा लिखा है, वो इतना तो समझदार जरूर है कि उसने उस इन फिलोसोफर लोगों की बातों को पढ़कर उसको अच्छा लगता है, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और कोई और व्यक्ति उसी बुराई के बारे में बात करता है,
तो आपको लगता है अरे ये तो मेरे जैसा ही आदमी है कि नहीं, आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं? कि हम उससे जुड़े हुए हैं, हम एकदम जुड़े हुए हैं। वैसे ही ये तीनों लोगों ने जो बात की थी, इसके वजह से जो तृतीय वर्ग था ना, इन सभी लोगों को अंदर आत्मा में ये लगने लगा कि हमारे साथ तो आज तक गलत ही हो रहा है, हमारे साथ तो सही कभी हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से सारी समस्या हमारे ही साथ है। और यह रीजन बहुत बड़ा था इस पूरे व्याख्यात्मक चीज को समझाने के पीछे का। ठीक है, तो गड़बड़ी कहां से शुरू हुई आइए देखते हैं। अब ये समझ में आ गया ना, तो आइए अब इनको मिटाकर इवेंट पर वापस चलते हैं, घटना में क्या हुआ। तो हुआ क्या कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, 300 के बजाय 600 प्रतिनिधि आ गए। इतना ही नहीं, आने के बाद इन्होंने कहा कि मतदान की व्यवस्था देखिए, यहां पर ना मतदान की व्यवस्था ऐसी थी कि हर वर्ग एक वोट करेगा। ठीक है, हाँ या ना में। ठीक है, तो कितने वोट होंगे, 1, 2, 3 वर्ग के 3 वोट, और एक वोट किसका, राजा का, तो कितने वोट हो गए, 4। और इसमें से आपको 3/4 वोट चाहिए होंगे क्या करने के लिए, किसी भी नियम को पारित करने के लिए, किसी भी टैक्स को लगाने के लिए। लेकिन ये लोग आए ना तृतीय वर्ग के लोग, तो इन्होंने कहा नहीं, हर वर्ग एक नहीं, हर आदमी एक एक वोट करेगा। क्यों? क्योंकि ये सोच के आए थे कि 300 ये लोग होंगे, 300 ये लोग होंगे, तो हम 600 चलते हैं, इन दोनों को दबा देंगे और एक राजा जी वोट करेंगे तो उनके वोट की भी वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, लेकिन यह ऐसी मतदान की व्यवस्था, राजा ने कहा कि ना ना ऐसा कुछ नहीं होगा, और इस वजह से ये बेचारे लोग क्या हो गए, वापस चले गए। और इन लोग ये जैसे ही तृतीय वर्ग के लोग क्या हुए, अपने घर चले गए वापस, क्योंकि इनके बस का तो कुछ रहा ही नहीं। राजा ने इनके बात को क्लियरली मना कर दिया, इनका प्रस्ताव क्लियर कैंसल, खत्म हो गया इनका प्रस्ताव, कोई जरूरत ही नहीं है इनके प्रस्ताव की। जब इनका प्रस्ताव कैंसल हो गया तो ये लोग बेचारे घर के तरफ वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट करने के ऑर्डर में जैसे ही ये गए, राजा ने कहा हाँ, तो कार्रवाई शुरू कराई जाए। तो 1, 2, 3 लोग बचे थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, और तीसरा वर्ग तो था नहीं, तो तीसरा वर्ग चला गया। तो उसके बाद कौन बचा था, राजा। तो जब लॉ पढ़ा गया कि टैक्स लगाया जाएगा, हाँ अब बात यह थी, टैक्सेशन सुनो कैसे होने वाला था। प्रथम वर्ग कोई टैक्स नहीं देगा क्योंकि वो पुजारी है, द्वितीय वर्ग कोई टैक्स नहीं देगा क्योंकि वो राजा का वर्ग है, तृतीय वर्ग 100% टैक्स देता था ना, अब इन पर टैक्स बढ़ा के 150% कर दिया जाएगा। तो तृतीय वर्ग का गुस्सा होना खैर लाजमी है, आप भी मान रहे हो कि अरे किसी पर इतना जोर लगाओगे तो वो बेचारा कमजोर होकर टूट ही जाएगा। तो महाराज के इतने जोर के वजह से तृतीय वर्ग के लोग छोड़ के चले गए थे, कि इन्होंने कहा कि यार सारा टैक्स हम ही लोग दें, ये लोग कुछ नहीं देगा, इस वजह से यह व्यवस्था भी गड़बड़ थी। तो जैसे ही वो लोग गए, उन लोगों का टैक्स वाला व्यवस्था चला गया, वो लोग वोट नहीं कर पाए। और उनके जाने के बाद राजा ने कहा हाँ, कौन कौन इस बात का समर्थन करता है, तो इन्होंने कहा हम करते हैं, द्वितीय वर्ग का भी तो कोई टैक्स नहीं लगा था, तो इन्होंने भी कहा हम करते हैं, राजा पर कौन सा टैक्स लगा था, तो इन्होंने भी कहा हम समर्थन में तो है ही है। तो असल मायने में वोट कितने होने थे, 4 गो, और कितने वोट मिल गए इसको, 3 गो। मैंने पहले ही बोला था लॉ पारित करने के लिए कितने वोट चाहिए, 3/4 वोट, और 3/4 वोट मिलने के बाद टैक्स बढ़ा दिया गया। तृतीय वर्ग के लोग ये सोचकर घर चले गए कि अगर हम घर चले जाएंगे तो टैक्स कौन पारित कराएगा, लेकिन इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ये लोग गए, टैक्स की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और टैक्स लगा दिया गया। तो क्या फायदा रहा टैक्सेशन का, आर्थिक व्यवस्था ऐसे सुधरी, फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था सुधरी इस बात से। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक इवेंट खत्म होता है ना तो उससे दूसरा शुरू होता है। अगर मैं स्केच फेंक के मारूं तो कैमरा गिर जाएगा, तो कैमरा मतलब मैंने स्केच फेंक के मारा, एक इवेंट खत्म हुआ तो कैमरा गिरा, दूसरा इवेंट कैमरा गिरने से वीडियो खराब हुआ, तीसरा इवेंट वीडियो खराब होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, चौथा इवेंट। तो इस टाइप से एक इवेंट के बाद एक इवेंट के बाद एक इवेंट घटना हो रही है ना। तो वैसे ही राजा ने ये आर्थिक व्यवस्था को सुलझा लिया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई जोर नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो बखेड़ा खड़ा होने वाला ना, वो तो पूरा का पूरा एक वीडियो खा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में देखिएगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं,
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके बताइए, हम हैं ही यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर इतने भयंकर तरीके से आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराई जा रही है, ठीक है। और बिल्कुल यार लाइक करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ही पता है, बाय बाय।